फ्रेंड्स, वेलकम टू तेजस्वी डबा प्रोडक्ट चैनल। कई हमारे जो कस्टमर्स और हमारे फॉलोअर्स हैं वो डिमांड कर रहे थे कि गुलदाबी में कैसे ज़्यादा फ्लावर्स और बर्ड्स आए, इसके लिए आप एक वीडियो डालें। तो कुछ लोग थे जो आज आपकी इस बार इस सीजन लेट हो गए फ्लावर अपने सैपलिंग्स लगाने में, और या फिर अभी भी उनके प्लांट्स ग्रोथ नहीं ले पाए हैं गुलदाबी के, तो उनके लिए खास तौर से मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ऑर्गेनिक तरीके से आप कैसे बहुत ज्यादा फ्लावरिंग और बर्ड्स ला सकते हैं, दूसरा केमिकल जो आप अपना एनपीके फर्टिलाइजर होता है केमिकल जैसे आप कैसे बहुत ज्यादा फ्लावरिंग और बर्ड्स ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे गुलदाबी के दो पेड़ है, आप देख सकते हैं कि एक तो अच्छा फ्लावरिंग उस पर है जो काफी पहले मैंने सैपलिंग लगा दिया था, तो अच्छा इसने ग्रो किया और फ्लावर्स भी आया है। तो आप दूसरा ये है कि आप इसको आप देख सकते हैं कि ये है अभी भी कंपैरिजन आप सामने देख सकते हैं कि एक में तो फ्लावर्स है और एक में बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं है। हालांकि ये बडिंग स्टेज पे आ गया है, लेकिन कुछ हमारे फ्रेंड्स के ऐसे प्लांट्स हैं जो अभी भी ग्रोथ नहीं ले पाए हैं। तो उसका देखिए मेन बेसिकली दो रीजन होता है, एक तो आपने लेट प्लांट लगाया है, दूसरा आपने बहुत ज्यादा उसमें खाद दे दी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ज्यादा फ्लावरिंग के लिए खूब सारी खाद दे देते हैं, या हमारे माली भाई लोग ज्यादा खाद दे देते हैं, डीएपी का इस्तेमाल कर लेते हैं, यूरिया का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो भी एनपीके जो भी खाद मिलती है वो सब डालते जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्लांट तो कई बार ग्रोथ ले लेता है, हरा भरा हो जाता है, लेकिन उसमें बर्ड्स नहीं आते हैं और ना ही वो फ्लावरिंग के स्टेज पे जाता है। दूसरा रीजन एक ये भी होता है कि हम लोग बड़े लेट सीजन तक पिंचिंग करते रहते हैं, जो हम लोग में पिंचिंग की एडवाइस करते हैं तो वो बहुत लेट तक हम लोग करते रहते हैं, जिसके कारण ब्रांचिंग तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन जब उसका प्लांट का बर्ड्स बनाने का टाइम आता है तो उसमें बर्ड्स नहीं बन पाते हैं और फ्लावर्स नहीं होते हैं। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो पहले बनाया था कि हमें क्या नहीं करना है क्रिसेंथेमम में, जिससे कि ज्यादा बर्ड्स और फ्लावर्स आए, तो वो आप उसको देख सकते हैं। और बाकी इस बार खाद के जरिए दोनों ही ऑर्गेनिक खाद और केमिकल से आप कैसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बर्ड्स ला सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले ऑर्गेनिक के लिए मैं बताता हूँ आपको, ऑर्गेनिक के लिए आपको नीमखली इस्तेमाल करनी होगी। मैं अपना तेजस्वीता नीमखली इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको ऑर्डर के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये आपको मेरे पास अवेलेबल है, ये मिल जाएगी आपको। पहले ऑर्गेनिक प्रोसीजर के लिए या ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए आपको नीमखली की आवश्यकता पड़ेगी। आपको वर्मी कंपोस्ट, बेस्ट क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट है हमारी तेजस्वीता वर्मी कंपोस्ट, आप ये भी हमारे पास अवेलेबल है, आप ये व्हाट्सएप पे ऑर्डर करके आप हमसे मंगा सकते हैं। तीसरा है ये बोन मील, अस्थि चूर्ण आपको चाहिए होगा, ये भी तेजस्वीता बायोप्रोडक्ट्स पे अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करके इसको मंगा सकते हैं। और चौथा है सरसों खली, ये भी आपको तेजस्वीता बायोप्रोडक्ट्स पे अवेलेबल है, और या फिर आप कहीं से भी मार्केट में जहां भी अवेलेबल है आप इसको मिला सकते हैं। तो ये आपको बराबर बराबर प्रोपोर्शन में आपको लेना है। आप अभी मैं एक मेजर में आपको खाली बता दे रहा हूँ, जैसे ये तो एक एक किलो मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप ये 100 ग्राम आप इस्तेमाल करिए। 100 ग्राम आपने सरसों खली लेनी है, इसके बाद आपको 100 ग्राम ये आपको ये बोन मील लेना है, ओके। और ये आपको 100 ग्राम नीम खली लेनी है, ये 100 ग्राम आपको नीम खली लेनी है। हो सकता है मेरा प्रोपोर्शन अभी इक्वल ना हो, लेकिन आप वे करके आप इक्वल प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। आप इसको अच्छे से मिला लीजिए और इस 100 ग्राम के प्रोपोर्शन के साथ आपको करीब 1 किलो वर्मी लेनी है, आपको वर्मी कंपोस्ट 1 किलो लेना है। तो सीधे सीधे आप प्रोपोर्शन आप जान सकते हैं कि 1:10 का हो गया कि 100 ग्राम आपने बोन मील, 100 ग्राम आपने सरसों खली, 100 ग्राम नीम खली लेकर के 1 kg लगभग वर्मी में आपको इसको मिला देना है। और अच्छी तरह इसको मिला करके लगभग 50 से 100 ग्राम आपको अपने गुड़ाई करके आपको अपने प्लांट में डाल देना है, ये आपको ट्वाइस अ वीक देना है, ओके। शुरू में 2 हफ्ते आपको ट्वाइस अ वीक देना है,
उसके बाद खाली वन से बीट देना है। तो आप लेट हो भी गए अभी, जैसे देखिए लास्ट दिसंबर चल रहा है, तो ये बाई एंड ऑफ जनवरी भी आपको ये फ्लावरिंग करेंगे, बहुत अच्छा फ्लावरिंग हो जाएगा और बहुत अच्छा आपका प्लांट बन जाएगा। अगर आपको ये सब बड़ा मेहनती लग रहा है, थोड़ा सा शॉर्टकट वे चाहिए, तो हमारे पास डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में पेजस वीटा फ्लावर पावर अवेलेबल है, ये देखिए, जो कि ये सेम काम करता है। एक्चुअली इसमें पोटास की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है फ्लावरिंग के लिए, तो ये हमारे पास पेजस वीटा फ्लावर पावर अवेलेबल है। आप ये भी ऑर्डर करके व्हाट्सएप पे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो आप ये डायरेक्ट 1:10 बनता है, ये कंसंट्रेट होता है, ऐसे आप 10 लीटर बना सकते हैं। और लाइक रेगुलर वाटरिंग आप आधा आधा मग सारे अपने प्लांट्स पे वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक आप इवनिंग टाइम में दीजिए, और ये भी यही इफेक्ट करेगा और आपका होगा। साथ में आप तेजस्वी का पोटाशियम वॉश, ये पोटाशियम वॉश है, ये भी 1:10 है कंसंट्रेट, इसको आप दोनों चीजों को इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये लिक्विड यूज करिए, या ये जो मैंने आपको बताया बायो में कि आप सरसों नीम और अस्थी चूर्ण और वर्मी कंपोस्ट का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, आपको ये सब भी बड़ा हेल्दी लगता है। तो आप दो चीजें केमिकल में अगर हम आते हैं, तो पोटाश है हमारे पास, तो पोटाश हम लोग यूज कर सकते हैं। ये 100 ग्राम तो आप देख सकते हैं, ये पोटाश है 100 ग्राम, ये पोटाश और 100 ग्राम सुपर फॉस्फेट, ये सुपर फॉस्फेट और पोटाश मार्केट आपको किसी भी बीज भंडार में अवेलेबल मिल जाएगा, आप ये यूज कर सकते हैं। ये पोटाश और सुपर फॉस्फेट आप 1 टेबल स्पून आप पेड़ों में दीजिए, तो ये भी आपके लिए फ्लावरिंग और बडिंग के लिए बड़ा अच्छा काम करेगा। ये भी सब आपको लेंदी लगता है, आप बिल्कुल लेजी है, आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते, तो डायरेक्ट मार्केट से एनपीके 00052 या 00032 मंगा करके आप अपने प्लांट को वाटर सोल्युबल फॉर्म में दे सकते हैं। उसका रेशियो 5 से 10 ग्राम 1 लीटर पानी में रहता है, या 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप फॉलियर स्प्रे या फिर आप रेगुलर जैसे आप वाटरिंग करते हैं आधा मग 1 मग पानी शाम को दे सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं इस सीजन में, अभी इस समय तो जिन भाई लोगों के सेंटिमेंट लेट हो गए थे या ग्रोथ नहीं ली है, तो वो आप बढ़ जाएंगे। बाकी क्या नहीं करना है इसके लिए मेरा एक अलग से वीडियो है, व्हाट नॉट टू डू विद क्रिसेंथेमम, तो वो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ में खाद इस्तेमाल करके आप फ्लावर्स ले सकते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑर्डर आप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ये इजिली अवेलेबल है हम लोग के पास, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसी तरीके की जानकारी और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।